देखिए, शिवप्रकाश शुक्ला बदमाश तो थे नहीं। दशहरा के दिन उसकी पैदाइश हुई। मेन दशहरा के दिन जब रावण जल रहा था, उसी समय शिवप्रकाश शुक्ला पैदा हो रहे थे। था हम लोग कह रहे थे कि बदमाश निकल जाएगा। गूगल वाले तो एकदम टोटल प्रचार गलत किए हैं। देखिए, शिवप्रकाश शुक्ला बदमाश तो थे नहीं। शुरू में जो है, बचपन में वह लड़का जो है यहाँ कुश्ती लड़ता था, तो हम लोग यही जानते थे कि भाई अच्छा पहलवान निकलेगा, अच्छा बढ़िया जो है लड़ेगा ये, क्योंकि परिवार में जो है कोई न कोई पहलवान रहा है, तो इसलिए सोचा गया कि भाई चलिए पहलवान होगा लड़ेगा। लेकिन बदमाश तो था नहीं जन्मजात, अन्य खानदानी, क्योंकि उनके पिताजी जो है वह एयरफोर्स में थे, पहले एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स से जब रिटायर हुए तब उन्होंने ठेकेदारी शुरू की, तो एक ग्रेड के ठेकेदार थे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक नंबर मान दो नंबर के ठेकेदार, ठेकेदार हरिशंकर तिवारी उस समय पैदाइश नहीं थी, न बदमाश थे। वह हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे बढ़लगंज, जब तो हम लोग देखते थे कि भाई बचपन में जो है जब वहाँ पढ़ते थे तो उस आदमी को तो एकदम बच्चा था। दशहरा के दिन उसकी पैदाइश हुई। मेन दशहरा के दिन जब रावण जल रहा था, उसी समय शिवप्रकाश शुक्ला पैदा हो रहे थे और पैदा हुए मेरे सामने। अब हम लोग यह थोड़ी जानते थे कि यह क्या होगा, बदमाश होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और पहलवान ही जानते थे उसको। लेकिन धीरे 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 वह बचपन में इधर उधर मारपीट कर लेता था। कोई अगर किसी की तारीफ कर दिया, किसी छोटे बदमाश का, उसको वह पहले तो पटक के मारता था, जाके मारता था। तो रहन रहन जब आवे बाबा जी के पास, तो बाबा जी कहते थे कि भाई हमारा पद में चाचा लगता था वो, लेकिन हमसे छोटा था, हमारे सामने बच्चा ही था, तो बच्चा था भाई, छोटा था, तो उसको माने हम लोग खिलाए भी हैं। अब घर परिवार का था, हम लोग क्या जानते थे कि बदमाश निकल जाएगा। वह तो बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ, और राकेश तिवारी से जो लोग कहते हैं वह टोटल गलत प्रचार, गूगल वाले तो एकदम टोटल प्रचार गलत किए हैं। गूगल पे चाहे जो इंस्पेक्टर बोला है कि यह जो है उनकी बहन को छेड़छाड़, ये सब टोटल बात गलत लिखे हैं। गूगल वाले तो मनमाना जो मर्जी हुआ दूसरे दूसरे से सुन के लिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राकेश तिवारी से यही वर्चस्व के लेके झगड़ा हुआ। वर्चस्व की लड़ाई में कि तू बड़ी कि हम बड़े, वह उभरता हुआ राकेश तिवारी बदमाश था, उसको जो है वह ले गया अपना, पता नहीं पिस्टल ले जा करके कहाँ से कैसे उसको ये मार दिया गोली। नाबालिग था उस समय, उस समय वो नाबालिग था, और उस समय उसकी उम्र 17 साल कुछ महीने था, नाबालिका था। तो जेल में जो है गया 1-1.5 महीने। वो भी डीएम ने फोन किया कि रामसमु शुक्ला मन बाबा जी के पास कि भाई लड़का जो है आपका कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा लड़का तो है घर पे है। कहे कि नहीं, वो घर पे तो नहीं है, आप देखिए जरा सा, वो अभी अभी एक आदमी को मार करके शहर से जा रहा है। तो अब क्योंकि शहर के एक नंबर के ठेकेदार होने के नाते सब लोग अधिकारी जानते थे, चाहे बढ़लगंज टाउन एरिया हुआ, चाहे गोला हुआ, जहाँ भी बांस गांव हुआ, सब जगह जो काम धाम ठेकेदारी का अगर कोई कराता था, गोरखपुर पूरा काम धाम तो वही बाबे जी कराते थे, रामसमु शुक्ला जी, उनके पिताजी वही कराते थे, न कि कोई दूसरा अन्य ठेकेदार। तो उस समय कोई पैदा नहीं था। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र साह, ये दोनों जन आपस में लड़ते भिड़ते थे, बदमाश थे, और उन्हीं की जोड़ा पारी थे हरिशंकर तिवारी के, साथ में पढ़े भी थे, लेकिन वह अपना बड़े घर के होने के नाते ठेकेदारी वो किए, और वही एकमात्र ठेकेदार थे पूरा टाउन एरिया। पुराने लोगों से पूछिएगा, दूसरा कोई ठेकेदार नहीं था। पहले तो दुबला पतला था, बाद में जो है वह जब पहलवानी वगैरह किया, पर्सनालिटी उसकी
अच्छी हुई, गाय से दूध और जूस का शौकीन ज़्यादा था। वो दूध पीता था और ये क्या नाम है, दूध ज़्यादा पीता था, जूस जो है डेली वो पीता था। दूध जूस पीने के नाते उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो गई। अच्छा, जैसे मान लीजिए माफिया बाद में बने, गांव में कभी ऐसा हुआ गांव में किसी को परेशान किया या कभी? किसी को न गांव में न मेरे क्षेत्र में किसी को कभी कोई परेशान नहीं। गांव में कोई उसको जानता भी नहीं था कि वह बदमाश होगा या होने वाला है, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई उसकी दूर दूर तक नहीं लोग जानते थे कि भाई बदमाश हो गए, क्यों किसी से कोई बदमाशी करता ही नहीं था, कभी किसी से कोई बदमाशी नहीं। कुछ और बातें बताइए जो आप जानते हैं। और बातें क्या बताएं? और हाँ, ये हम यहाँ पे जैसे दो चार लोग बैठते थे जब, तो वह जो है बात सुनता था किसी माफिया वाफिया के बारे में, तो वही पूछता रहा कि भाई यह जो है बदमाश के बारे में बताइए, कैसे कैसा है, वैसा कैसा है। तो सब लोग ये सोचते थे कि लड़का है पूछ रहा है, लड़का है पूछ रहा है, न कि उसको यह सोचते थे कि यह बदमाश होगा। बदमाश होने होने की तो कोई दूर दूर तक कोई सोचता ही नहीं था कि वह इतना बड़ा माफिया बनेगा चाहे बदमाश बन जाएगा। और कुछ जानकारी जो और जानते हैं आप, कुछ मतलब एम्बिशन उसका क्या था कि ऐसा कुछ था? एम्बिशन उसका जो है एक बार जो है पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया नहीं था। एक बार उसका मिशन हम बताएं, हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, दर बरस जाते हैं गंगा स्नान करने। वह जो है गंगा स्नान करने हम लोग गए, तो जब हम लोग गंगा स्नान करने गए तो वहाँ पे वह लड़का कहा, भैया कुछ हमको भी बताते, आप लोग सुनते हैं नेपाल से, यहाँ से कुछ काम हम करते हैं, धंधा पानी हम भी करते। हमने कहा तुम अभी ये सब क्या करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तुम ऐसा करो अभी जो कर रहे हो वही करो, वही पढ़ाई करो, उसके बाद तुम ठेकेदारी जो है करना, खानदानी बिजनेस और क्या करोगे। क्योंकि हमारे जो ओम प्रकाश शुक्ला चाचा जी थे, तो ओम प्रकाश शुक्ला भी वह भी जो है ठेकेदार थे, बाबा जी के पास ओम प्रकाश शुक्ला भी ठेकेदार हुए। तो जब वो ठेकेदारी शुरू किया उन्होंने, तो कहे कि भाई अब ठेकेदार जो है यही करना, और क्या करोगे, और करोगे क्या। तो कहा नहीं भैया, हम अपने गट्स पे कुछ कर चाहत है। हिंदिया बोलता था शुद्ध भोजपुरी। कहा कि नहीं भैया, हम अपने गट्स पे कुछ कर चाहत है। तो हम अपने गट्स पे कर चाहत है, तो हम कहे भाई कहे क्या गट्स पे अपने क्या करोगे। कहा कुछ करम न, इतना उसका शब्द मुझे याद है। इस पर डांटा भी मैं था, बोला भी था कि क्या करोगे, बेहुदा वाली बात करते हो, तुम जो है करना तो ठेकेदारी करना, अभी जो है जो खानदानी अपन तुम्हारा है वही करना, दूसरा कुछ मत करना। तो ये जो जानकारी मतलब अभी तमाम लोग स्टोरी बनाते हैं सत्यता शुक्ला के बारे में, वेब सीरीज भी बनी, तो उस पर जो जानकारी है वो सब गलत, टोटल गलत। जो भी पिक्चरें लोग बनाए हैं, पिक्चर भी बनाए हैं, वह भी गलत बनाए हैं। न तो गांव तक आए हैं, न गांव से कोई, कितने लोग दिखाए हैं कि ये दिखाते हैं कि ये हम मास्टर जो है, उनके पिता मास्टर थे, उनके पिता जो है एयरफोर्स में थे, हमारे बाबा जी हैं, देखिए उनके भाई लगते हैं माने पद में, उनसे आप पूछिए, क्योंकि वहाँ से आमत तुरंत उनसे भी वही भैया पालागी माने बाबा जी आवे तो उनका प्रणाम करें, तो वह पूछते थे एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से जो है उनके पिताजी बैंकॉक रहते थे, बैंकॉक में एक नंबर पैसा कमाने वाले व्यक्ति थे पूरे इलाके में, कोई इलाके में था नहीं जितना पैसा वो कमाते थे बैंकॉक। उसके बाद में जब एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, तो रिटायर होने के बाद वो ठेकेदारी शुरू कर दिए हैं, ठेकेदारी शुरू किए हैं। तो एक शहर में एक उनका नाम था, एक वर्चस्व था,
इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने बढ़िया व्यक्तित्व का कोई अब है नहीं, ये बहुत खलता है। जब भी वो आते थे तो तुरंत वहाँ से, जब गर्मी पंखा, अब तो लाइट रहती है, पहले लाइट भी नहीं रहता था, तो वहाँ से बेना डोलाते हुए आवे तो यहीं बैठते थे, यहीं दरवाजे पर कहें से यहाँ दो चार लोग हमेशा बैठे हुए मिल जाते थे, वहाँ कोई रहता नहीं था। वही चमार जो है रामप्रीत, पहले एक सोखा सोखा करके था तो वो था, उसके बाद फिर एक रामप्रीत आए तो रामप्रीत वहाँ रहने लगे, तो बाबा जी जो है वहाँ से चले आते थे। इतने बढ़िया आदमी थे, आपको क्या बताऊँ, उनका मरना बहुत खलता है। उसके बाद ही समझ लीजिए कि इस परिवार का पता नहीं क्या हुआ कि संस ही जैसे चला जाए। अभी उनके परिवार के गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, उनके परिवार का कोई नहीं रहता है। उनके परिवार का जो है सब लोग जो है, ओम प्रकाश चमरी गए, एक गिरीश हैं उनसे छोटे हैं, गिरीश शुक्ला, वो भी चाचा लगते हैं, वो गोरखपुर रहते हैं, एक उनसे छोटे हैं चंद प्रकाश, वो अपना कहीं राजस्थान राजस्थान में रहते हैं, और उनसे छोटे ऐसे प्रकाश थे। और यह जान लीजिए कि हम लोग बहुत ही कभी कभी खलता है कि यह गूगल वाले जो है झूठा डाले हुए हैं कि उनके पिता मास्टर थे तो ये थे वो थे, क्या मतलब है बताइए। आप जगह तक आओ न, जगह तक जानकारी लो और जगह पे आओ, सही जानकारी लीजिए, सही चीज़ डालिए तो अच्छा है ना।